और दोस्तों पोको M2 आखिरकार यहाँ पर लॉन्च हो चुका है और ऐसे में इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कम कीमत में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। तो क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर मार्केट में इस फ़ोन की जगह और भी कोई ऑप्शन मौजूद है, कैसा ये काम करने वाला है, ऑन द पेपर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, सभी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे टेस्ट गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे में दबाई, क्योंकि मैं इतने से कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों पोको M2 जो है ना वो इस समय काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, काफ़ी अच्छी कीमत पर लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पोको M2 में जो है ना 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरा सेटअप की तो यहाँ पर 13+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और बैक पैनल पर ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है ना वो 8 मेगापिक्सल का है विद AI सपोर्ट। ये फ़ोन P2i कोटिंग के साथ आता है, जहाँ पर ये जो है ना स्प्लैश एंड रस्ट प्रोटेक्शन आपको इसमें फ़ोन में मिल जाता है। और बात करें यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन की तो बैक पैनल जो है ना प्लास्टिक का है, लेकिन डुअल टोन कलर जो है ना पीछे के साइड में मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना USB टाइप सी पोर्ट इस फोन में देखने को मिल जाता है और चिपसेट तो अच्छा ही है। बात करें बैटरी की तो यहाँ पर 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जहाँ पर ये फ़ोन बहुत लंबा पावर बैकअप देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना 18 वाट की जो है ना इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया पूरा पैकेज इसकी हाईलाइट। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी कीमत की और फ्लैश सेल की, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इस फ़ोन में सिर्फ 6 GB का जो रैम है वो यहाँ पर LPDDR4X रैम है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इस फ़ोन का जो 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट है वो 10999 यानी कि 10999 रुपये में लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो 6 GB रैम और 128 GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट है वो जो है ना 12499 रुपये में लॉन्च किया गया है। तो ये हो गई इसकी कीमत। अब जो है ना यहाँ पर आपको मार्केट में इसके काफ़ी सारे कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। नार्जो 10 है जो पहले सही मौजूद है, वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बाद बाकी का नार्जो 10 में जो है ना कुछ इतना अच्छा नहीं है, चिपसेट सेम देखने को मिल जाता है लेकिन कीमत नार्जो 10 की ज्यादा है वहां पर। तो ऐसे में जो है ना ये फ़ोन नार्जो 10 से कुछ हद तक आगे निकल जाता है। अब बात करें इसके ही एक और कंप्यूटर की तो यहाँ पर Redmi 9 Prime जो पहले लॉन्च हो चुका था, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये Redmi 9 Prime का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, कॉपी फ़ोन है Xiaomi का Redmi का, लेकिन हमको तो अच्छी कीमत में अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो हमें पोको की तरफ से देखने को मिली है। अब चाहे कॉपी फ़ोन हो या फिर कैसा भी हो, फ़ोन अच्छा है, अच्छी कीमत पर लॉन्च किया है और इसकी जो सेल है ना फर्स्ट सेल वो 15 सितंबर को होने वाली है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है ना इसका करेंट प्राइस चेक कर सकते हैं। बात करें इस फ़ोन की कमियों की तो ऐसे में ये फ़ोन 11,000 रुपये का लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ खास कमी है नहीं। बैक पैनल प्लास्टिक का जरूर है लेकिन कीमत भी तो यहाँ पर कम है, एक अच्छा प्रोसेसर हमको मिल जाता है, डिस्प्ले फुल HD प्लस मिल जाती है, 5000 mAh बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, USB टाइप सी और डुअल बैंड वाईफाई मिल जाती है। यानी कि 11,000 रुपये में हमको इतना सारा कुछ दे दिया है कि जिनके आड़ में जो कमियाँ थी वो यहाँ पर छिप गई हैं। कुछ खास कमी ऐसी देखने को मिलने वाली नहीं है यहाँ पर इस फ़ोन में। गेमिंग भी कर सकते हैं आप इस फोन में आराम से इतने कम रुपए में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।